क्रॉस किया तो आउटकम क्या है, हेड और टेल वर्क। ठीक है, तो जो आपके चांसेस हैं हेड अगर कट गए दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। इफ वन पॉइंट इज क्रॉस पूरे आउटकम्स क्या है, जो पॉइंट क्रॉस किया हेड और टेल, तो प्रोबेबिलिटी हेड की क्या होगी, 1/2 m डिवाइडेड बाय n इसको फेवरेबल केसेस ओवर प्रोबेबल केसेस, फेवरेबल केसेस ओवर प्रोबेबल केसेस। ठीक है, जब आपने कॉइन टॉस किया तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 1/2 क्योंकि उसमें फेवरेबल टाइप नहीं की है, तो टोटल केसेस कितने होगी। मान लो आपने डाइस टॉस की तो उसमें आउटकम्स क्या आ सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी डाइस टॉस करने में रिलेटेड विद ऑड नंबर की, ऑड नंबर कौन कौन से हैं, 1, 3 एंड 5। कितनी फेवरेबल केसेस होंगे, 3, टोटल कितने हैं, 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर एंड डाइस टॉस इज 3/6। क्लियर, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इसको हम डिनोट करते हैं क्यू के साथ। ये कितनी आ जाएगी, कितने केसेस हैं जो ऑड नंबर नहीं है, 3/6 डिवाइडेड बाय 6। बेसिकली P+2 इज ऑलवेज इक्वल टू 1 बिकॉज़ वी अज्यूम दैट ईदर देयर विल बी सक्सेस और फेलियर इन केस ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो P+2 दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 1 एंड P विल बी इक्वल टू 1 - Q। ठीक हो गया जी, अब कुछ टर्म्स हैं, टर्म्स में सबसे पहले एक टर्म आती है एक्सपेरिमेंट। ठीक है, मान लो मैंने एक पॉइंट क्रॉस किया वो क्या है, एक्सपेरिमेंट है। दो पॉइंट्स क्रॉस किए वो क्या है, एक्सपेरिमेंट है। अब इवेंट पॉइंट क्रॉस किया तो उसमें इवेंट क्या है, ईदर देयर विल बी हेड और टेल, आउटकम जो आपकी आ रही है वो हेड है या टेल है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब उसके बाद कुछ इसमें टर्म्स हैं, एक है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, नाम से क्लियर है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब आपस में बिल्कुल अलग अलग है, कुछ कॉमन नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव का मतलब कुछ भी एक का दूसरे में इंक्लूड नहीं हो रहा है। ठीक है, एक्सक्लूड हो रहे हैं दोनों टर्म्स। वैसे एक पॉइंट क्रॉस किया तो हेड और टेल दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, जब मैंने डाइस क्रॉस की तो आउटकम्स 1, 3, 5 मतलब ऑड नंबर एंड इवन नंबर, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ओड एंड इवन दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्लियर, जब मैंने डाइस क्रॉस की आउटकम लेट इट इज मल्टीपल ऑफ 2 और मल्टीपल ऑफ 3, दिस इज नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बिकॉज हियर आउटकम्स आर 2, 4, 6 एंड हियर इट इज 3 and 6, 6 इज कॉमन, right? So it is not mutually exclusive. This case is of not mutually exclusive and this is of mutually exclusive. Clear? अब इतना समझ में आ गया mutually exclusive events क्या होते हैं? जैसे either there will be rain or no rain, so mutually exclusive. ठीक है? Either the person will be male or female, तो वो आपके mutually exclusive. Then exhaustive events. जो भी आपने एक्सपेरिमेंट किया है उसकी जो आउटकम्स हैं वो अगर सारी आउटकम्स इकट्ठे रखते हैं दैट इज सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स, राइट। अगर एक पॉइंट क्रॉस किया तो आउटकम्स क्या हैं, हेड और टेल, ये आपकी एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, डाइस क्रॉस की तो आउटकम्स क्या हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये क्या होगा, सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अगर मैंने दो पॉइंट क्रॉस किए तो आउटकम क्या है, एक पॉइंट की हेड और टेल, ये फर्स्ट पॉइंट, दूसरे पॉइंट की क्या होगी, सेकंड पॉइंट। इफ इन फर्स्ट पॉइंट इज हेड देन देयर आर चांसेस दैट इट कैन बी हेड सेकंड पॉइंट और टेल सेकंड पॉइंट। इफ देयर इज टेल इन फर्स्ट पॉइंट इवन देन देयर कैन बी हेड और टेल इन सेकंड पॉइंट, दैट इज देयर आर टोटल 4 आउटकम्स, हेड इन फर्स्ट,
पॉइंट्स थे उसमें, हेड है, हेड टेल, टेल है, टेल क्लियर, इतना क्लियर है। देन नेक्स्ट इज रबर उसको, देन नेक्स्ट इज इक्वली लाइटली फर्स्ट अगर ब्लैक तो ये आ
ये आपके कंसेप्ट्स में होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, इक्विटी लाइक की सिंपल एंड कंपाउंड इवेंट्स। सिंपल इवेंट्स और कंपाउंड इवेंट्स क्या होते हैं, जब एक इवेंट अटक गया उसकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकाली, दैट इज सिंपल इवेंट। सिंपल एंड कंपाउंड इवेंट्स या जॉइंट इवेंट्स भी कहते हैं इसको, सिंपल एंड कंपाउंड इवेंट्स। जब मैंने एक इवेंट का एक जो है बॉल बाहर निकाली, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली, वो क्या है, सिंपल इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट वीक में या प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड वीक में। बट इफ आई हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी क्या है, फर्स्ट इज ऑल्सो बैक, सेकेंड इज ऑल्सो बैक, दिस इज कंपाउंड, दोनों की साइमल्टेनियस प्रोबेबिलिटी, समझ में आएगा। अगर एक इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालती हूँ, दैट इज सिंपल प्रॉपर्टी, बट ये सिंपल प्रॉपर्टी का केस है और ये कंपाउंड प्रॉपर्टी का केस है, जॉइंट प्रॉपर्टी। क्लियर? हाँ, जितना क्लियर हो गया। देन इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट्स मैंने आपको बता दिए कि आपकी जो है प्रॉपर्टी की मेन कंसेप्ट है, ठीक है। अब आपकी जो है प्रॉपर्टी की एग्जाम्पल्स हैं कुछ, फर्स्ट की आउटपुट सीधे हेड और टेल,
ये हो गया। अब आपकी प्रॉपर्टी है डेरिवेटिव 3x, टोटल कितनी है आउटकम्स, टोटल आउटकम्स कितनी है ये नोट कर लो 8, ठीक है। ऐसे आपके आउटकम्स आ जाएंगे। इसका एक फार्मूला है निकालना, एक प्राइम में आउटकम रेस्ट पर नंबर ऑफ प्राइम्स, एक प्राइम में आउटकम्स कितनी थी 2 एंड एट 8, कितने प्राइम्स थे, पॉइंट्स कितने थे 3, कितनी आउटकम्स आपकी 8। समझ में आपकी बात, ठीक है। ये प्रिंसिपल ऑफ एस्टिमेशन में जो आउटकम्स और ये आउटकम्स होते हैं, इसमें से हेड 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 कितनी बार है 1 टाइम, ठीक है। तो फेवरेबल केसेस क्या है 1, प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/8। अब प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर एट लीस्ट 2 हेड्स, प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर एट लीस्ट 2 हेड्स कितने केसेस हैं 2 4, टोटल कितने हैं 8, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 4/8 1/2 क्लियर क्लियर। देन थर्ड केस है, रेफर दोस्तों, थर्ड इज ऑफ कॉम्बिनेशंस, मैंने कहा ज्यादा में से कुछ कम विड्रॉ करते हैं, तो आप भी क्या लेंगे कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशंस में कैसे आप सॉल्व करोगे, जैसे मान लो मैंने आपको बताया कि एक बॉक्स है उसमें 7 हेड है 5 ब्लैक है, 2 बॉल्स आपने विड्रॉ करी, ठीक है। तो अब इसमें 2 बॉल्स विड्रॉ करने के चांसेस कितने हैं, एंड कैसे निकलेगा, टोटल कितनी बॉल्स है 7 5 12, इसमें से कितनी विड्रॉ की 12 सी 2, समझ में आएगा, ठीक है। कॉम्बिनेशन सॉल्व करने आते हैं, फॉर्मूला होता है कॉम्बिनेशन का एमसीआर, तो ये सॉल्व करने का तरीका होता है टोटल ऑफ एन और टोटल ऑफ आर इनटू टोटल ऑफ एन माइनस आर। अगर ये मैं फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दूं यहां पे ये बन जाएगा टोटल ऑफ 12 और टोटल ऑफ 2 इनटू टोटल ऑफ 12 माइनस 2, दिस विल बी इक्वल टू टोटल ऑफ 12 और टोटल ऑफ 2 इनटू टोटल ऑफ 10। I will solve this. This will be 12/11 because 12/11 आ गया था, फिर 12/10 नीचे कट जाएगा, 12/10 के साथ ये आपका है 66 cases, right? ठीक है जी, 66 cases. अब 2 balls withdraw की उसके total cases निकले। अब उसमें से ये combination से नहीं, क्योंकि आपने ज़्यादा में से कम withdraw किया, ठीक है? अब ये 2 balls जो हैं red आने के chances क्या हैं? रेड आने के चांसेस फेवरेबल केसेस, प्रोबेबिलिटी कि आपके 2 बॉल्स रेड हैं, 2 बॉल्स 2 ड्रॉन बॉल्स आर रेड, रेड आने के चांसेस क्या हैं 7 से 2, मतलब 7 में से 2 नहीं आ और ब्लैक में से कितनी है 0, ये आपके फेवरेबल केसेस हैं, ठीक है। 7 से 2 सॉल्व कर लो इट विल बी 21 सॉल्व करोगे तो, ठीक है। और 5 से 0 1 तो 21 आ गए, प्रोबेबिलिटी दैट 2 बॉल्स आर रेड दिस इज दिस विल बी इक्वल टू n बाय n दैट इज 21/66 क्लियर। 7 से 2 सॉल्व करने के लिए 21 ही आना चाहिए, यस, ठीक है जी। चलिए आगे, इतना समझ में आ गया, प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर 2 ब्लैक बॉल्स 2 ब्लैक this will be equal to 7 से 0 5 से 2 divided by 12 से 2 क्लियर। टोटल केसेस आपके क्या बने 12 से 2 सेम कैसे जो 66 आए हैं, और फेवरेबल क्या बने कि बैक में से दोनों आई हैं, तो ये 1, ठीक है। और 5 से 2 सॉल्व कर दो दिस विल बी इक्वल टू 10, ठीक है, दिस विल बी 10/66। इफ दे drawn balls are like that, 1 is red and 1 black, then this will be 7c1, 5c1, right, divided by 12c2, 12c2, we know that it is equal to 66, this is 7 into 5, that is 35 by 66,
क्लियर। ये तीन तरह से आप कर लो सॉल्व करें आगे, ठीक है। अब तीनों में कुछ एग्जांपल्स आपको करवाने होंगे।